जी नंदनी, आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे पूरे जो उनके कार्यकर्ता है वो लगातार उनके मांग कर रहे हैं उनके रिहा होने के लिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया पे जो इल्जाम लगाया है वो पूरी तरह से कड़ी निंदनीय है। आपको बता दें दूसरी तरफ जो सपा नेता अखिलेश यादव हो, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये जो भी ये उनका निंदा कड़ी निंदनीय है, क्योंकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पर जो इल्जाम लगाया है वो पूरी तरह से बीजेपी अपनी जो है एजेंडा अपना रही है चुनाव जीतने के लिए। और ये जो मेयर केस हारी है उसका कहीं ना कहीं ये उनका जो हार का बदला ले रही है। और उन पर कोई भी घोटाले शराब की कोई उन पर लगाने की जरूरत नहीं है, कड़ी निंदनीय सरकार के खिलाफ है। वहीं अखिलेश यादव को ये भी कहना है कि बीजेपी अपना बेरोजगारी और जो चरम सीमा पे है और जो उनके भ्रष्टाचार हो रहा है उनके जो सरकार में उसको दबाने के लिए ये सब मामला सामने ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी के साथ जो आपके कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से आज 2 बजे से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुहानी, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से पूछिए उनका अगला कदम क्या रहेगा, कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? जी नंदनी, आपको बता दें कि अभी तो ये 2 बजे से शुरू हो रहे हैं 2:30 से, और ये जो प्रदर्शन है उनका लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को छोड़ा जाए, क्योंकि उनका जो भी इल्ज़ाम लगा है वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से ना ये बेबुनियादी है और इसको छोड़ा जाए। और इसीलिए वो कहे उनका मानना है कि जब तक मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया जाएगा हम ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे और करते रहेंगे। जी सुहानी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीधा अब आपको लिए चलते हैं कानपुर में। अभी आपने तस्वीरें देखी लखनऊ में, जहां आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं कानपुर में हमारे संवाददाता उपेंद्र के साथ। उपेंद्र, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर में? जी नंदनलाल सर, आपको पूरी तरीके से कानपुर में जो है आम आदमी पार्टी को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन जो बिल्कुल तरीके से जारी है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी लेकर के वही अपने कार्यकर्ता से हिमाचल करना चाहूंगा, दिखाए किस तरीके से जो है मंत्री को सलामी देने के लिए जो होर्डिंग लगाई जा रही है। और उसके बाद देखा जाए तो स्कूली बच्चे जो है इस पूरे प्रदर्शन में जो है स्कूली बच्चे जो है शिक्षा मंत्री को लेकर के वो पूरी तरीके से सलामी दे रहे हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर के जो यहाँ पर जो जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है बात करने के लिए जो है यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो है वो जो जिला अध्यक्ष उमेश जी हैं। उमेश जी, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको लेकर के कानपुर में? देखिए, आज का जो ये हमारा प्रदर्शन है ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी ने किया। हमारा उद्देश्य था आज इस प्रदर्शन का कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा क्रांति के रूप में जाने जाते हैं, जो विश्व पटल पर जिन्होंने भारत का नाम रोशन करने का काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया, इसके लिए पूरा देश उनकी सराहना करता है, तारीफ करता है। उसी मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जेल में डालने का काम किया है फर्जी मुकदमा लगाकर। तो आज का प्रदर्शन हमारा इसी बात का था, एक तो हमारी मांग थी कि मनीष सिसोदिया जी को तत्काल रिहा किया जाए, दूसरे जो सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जो उनके ऊपर जो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, हमारे नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर जो मुकदमा कायम है जेल में बंद है, इनके ऊपर सभी फर्जी मुकदमों को खत्म करके इनको जेल से बाहर निकालने का काम करें। और आम आदमी पार्टी को अपनी ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं के द्वारा प्रताड़ित करना बंद करें, अन्यथा आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करे। उमेश जी बताइए कि अगर देखा जाए किस तरीके से, क्या आपको जो है न्यायालय पर या सीबीआई पर विश्वास एकदम नहीं रह गया? देखिए, न्यायालय पर माननीय न्यायालय के ऊपर पूरे देश को विश्वास है और आम आदमी पार्टी भी भरोसा करती है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बन गए, उनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना नरेंद्र मोदी बंद करें।
जी दरअसल आपको जो हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे वो थे, उनका साफ कहना है कि ईडी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं संदेह नहीं है, पर सीबीआई को लेकर कहीं ना कहीं का संदेह है। बातचीत करिए क्या कुछ, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जी अगर देखा जाए तो इनका प्रदर्शन जो अभी ज्ञापन देना था, ज्ञापन के बाद अगर देखा जाए तो दो बजे के बाद मनीष सिसोदिया जो पेशी होनी कोर्ट में, उसका निर्णय लिया जाएगा आगे क्या। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, उन्हें कहने पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है दलम प्रदर्शन जारी है। जी देखा जाए तो सीबीआई की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मनीष सिसोदिया ने अपने बयान बदले हैं। जी अगर देखा जाए तो अभी मैं पूछता हूँ यहाँ आम आदमी पार्टी का जो किस तरीके देखा जाए तो हम जो मनीष सिसोदिया थे उन्होंने जो है जो बयान जो है वो पहले से चेंज, पहले कुछ और थे, कुछ और चेंज किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष सिसोदिया जी के बयान जो है शुरुआत से एक ही जैसे रहे हैं, उनके बयान कभी ऐसे मेजर चेंज नहीं हुए हैं। अगर हम देखें तो इंडिया की हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जी ने जिस लेवल के स्कूल इंडिया में आज बना के दिए हैं वो कहीं भी दुनिया के माने हुए शिक्षा मंत्रियों में से एक हैं। दिल्ली के स्कूल, मैं आप दिल्ली में रहा हूँ 10 साल, मैंने दिल्ली में देखा है कि किस लेवल से स्कूलों में परिवर्तन आया है, और उस आदमी को जिसने बच्चों को गरीबों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई हो उसको आप सिर्फ राजनीतिक पहुँच के माध्यम से राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनको आप जेल में डाल दें, ये बहुत गलत है। मोदी जी को अडानी के खिलाफ उनका आज तक एक भी बयान नहीं आया है, अगर आप देखें जिसने लाखों करोड़ का घपला करके देश को एक तरफ से खाई में डालने की कोशिश करी, उसके लिए मोदी जी ने कोई भी बयान नहीं दिया है। यहाँ पे जो छोटी सी बात है, एक पॉलिसी लाए, पॉलिसी उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने वो पॉलिसी वापस तक ले ली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी हमने कंटिन्यू रखी हो, वो पॉलिसी वापस ली गई। और उस लेवल के मंत्री को जिसने देश के भविष्य सुधारने की कोशिश करी है, देश के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करी है, उसको जो है आप उठा के सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अंदर डाल रहे हैं। प्रदर्शन जो है कि अभी तक किस लेवल तक रहेगा आगे और कब तक आगे चलेगा प्रदर्शन? अगर मान लीजिए माननीय न्यायालय जो है मनीष सिसोदिया को भी आज बेल ना दे तो आपके प्रदर्शन जो है किस तरीके से रहेगा? जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी संजय भैया का आदेश आएगा हम उस तरीके से उस लेवल तक प्रदर्शन को जारी रखेंगे। उसके लिए चाहे हमें रोज जमीन पे बैठना पड़े, हमें अनियमित काल तक आंदोलन करना पड़े, हमें दिल्ली जाना पड़े, हमारे सारे साथी तैयार हैं, हम सब देशभक्त हैं, हमें पता है कि, और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो सही नहीं किया, वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी पार्टियों के ईमानदार नेताओं को चुन चुन के अंदर करती है और सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए उनका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। तो जैसा अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी को जो MCD चुनाव हुआ है उसमें उसका 85 जीता है, उसका उसके बाद अचानक से एक्शन मूड में आ गई है, ये आम आदमी पार्टी का करता हुआ आरोप। उपेंद्र देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार यही मांग करे कि मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की लगातार बीजेपी मांग कर रही है। जी आप बता रहे कि पूरी तरीके से हमारे साथ जो है जो जिला अध्यक्ष हैं वो बताएंगे, जिला अध्यक्ष बताएंगे किस तरीके से जो MCD चुनाव जो है 85 आम आदमी पार्टी जीता वहां पे, उसके बाद तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये ऐसा क्यों, ऐसा ने पहले क्यों नहीं सरकार आई? देखिए 15 साल के उनके कुशासन को, MCD में जो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन था उसको आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया और एक रिकॉर्ड जीत हासिल करी MCD में, हमारे दिल्ली में हमारा मेयर हो गया। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे पार्षद बने हैं उन लोगों ने सदन में MCD के सदन में जिस तरीके से गुंडागर्दी करी, चलिए बंद कर, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी अपने कैमरा पर्सन महसूस करना चाहूंगा कि जो इस प्रदर्शन को लेकर आपसी दो गुटों में जो है विवाद दिख रहा है, पूरा टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए पूरी तरीके से कि दो गुट आपस में जो विवाद को लेकर के जो प्रदर्शन जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आपस में जो है विवाद हुआ है, पर वो एक बड़ा सवाल नहीं है। पर ये जिलाध्यक्ष जो है, जो जिलाध्यक्ष है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जो है उनको मातुल सलाम को लेकर तख्तियाँ दी गई हैं। बिल्कुल लगातार पूरे देश में देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, आगे आप लेते रहेंगे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, मनीष सिसोदिया को लेकर
उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। और सीधा अब आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, इसको लेकर मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिसस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती? जिसके पोर्ट से 1,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई और आपकी ईडी। मेरे साथ आप जोरदार नारा लगाएंगे। तो वहीं पर पूरे देश भर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कर रहे हैं कि लगातार जो जितने भी सारे ये आरोप लगाए गए हैं, फर्जी लगाए गए हैं, सीबीआई और ईडी का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। और हम आपको सीधा लिए चलते हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। नंदिनी, देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद में अभी थोड़ी देर पहले ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। खासतौर पर पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी अपना बल प्रयोग किया। खासतौर पर जो कार्यकर्ता है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से सीबीआई पूछताछ कर रही थी, उसके बाद लगातार जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को इस बार गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं पहले भी पूछताछ की गई थी मनीष सिसोदिया से, उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनको कुछ बातों का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मुझे अभी सदन में बजट पेश करना है, जिस तरह से जो दिल्ली वासी है उनके लिए बजट पेश करना है, अभी उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दिनों की छूट मांग ली थी। उसके बाद फिर दोबारा से मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई की जो पूछताछ होती है, खासतौर पर जो आबकारी नीति जो घोटाला है उसको लेकर पूछताछ की जाती है, तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाजियाबाद में घंटा घर पे एकत्र होते हैं और वहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं। खासतौर पर जो सीबीआई और मोदी के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी हिटलर शाही कर रहे हैं, इस तरह से जो किसी को भी उल्टे सीधे आरोपों में उनकी गिरफ्तारी कर लेना, जिस तरह से एक पार्टी को टारगेट बनाना, तो ये सब माहौल इस तरह से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनीष सिसोदिया का भी एक बयान सामने आया था जिसमें माइक लेकर मनीष सिसोदिया खुद जो अपने कार्यकर्ता थे उनको संबोधित करते हुए ये भी बोल रहे थे कि अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो हर एक व्यक्ति, वो जो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो सब मनीष सिसोदिया है। आखिर किस किस की और किन किन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी? जितना चाहे उतना जोर लगा लें, चाहे कितनी भी गिरफ्तारी कर ले, मनीष सिसोदिया पीछे हटने वाला नहीं है।
इस तरह के बयान भी सामने देखने को मिले। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब हमलावर हो गई है और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जा रहा है, बाकी अन्य विपक्षी जो पार्टी है वो भी लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अगर बात करें संजय सिंह की, जो सांसद है खासतौर पर आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खासतौर पर अभी बयानबाजी करी है कि हिटलर शाही कर रहे हैं और जो अडानी और इस तरह से जो उद्योगपति है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री है जो शिक्षा के मामले में सबसे प्रथम माने जाते हैं, इस समय पर दिल्ली के अंदर में जिस तरह शिक्षा नीति उन्होंने सामने लेकर आए थे और जो बच्चों की जो पढ़ाई है, एक ट्वीट और आया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो उन्होंने खासतौर पर यह भी बोला था कि मनीष सिसोदिया के साथ उन बच्चों की दुआएं हैं, बच्चों का आशीर्वाद रहेगा, बच्चों का प्यार रहेगा, तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के सामने ये सब जो अड़चनें हैं कुछ भी नहीं सामने देखने को नहीं मिलेंगी। जी प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी है जो सभी आरोपों को खारिज कर रही है, उसने कहा कि सीबीआई की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, लगातार यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें हमारी जीत से मिर्ची लगी है। नगर निगम चुनाव में हमारी जीत को लेकर उन्होंने कहा कि इस जीत से उन्हें मिर्ची लगी है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा पहलू है कि अगर जिस तरह से नगर निगम जो चुनाव हुए हैं उसके बाद मेयर चुनी गई और जिस तरह से जो विधानसभा के अंदर हंगामा भी देखने को मिला, दिल्ली विधानसभा में किस तरह से कुर्सी फेंकी जा रही थी, दोनों पार्टियां आपस में जो भिड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक देखा जाए तो राजनीतिक तौर से भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है लगातार इसी तरह का आरोप लगा रही है, नगर निगम चुनाव हमारा मेयर चुन लिया गया है, तो कहीं इन चीजों को लेकर बीजेपी को जो है आप मिर्ची लग रही है। ये चीज अब जो बीजेपी है तिलमिला रही है, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर जो फर्जी सीबीआई की बात, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमरोहा पर। अमरोहा में विनीत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। विनीत, अमरोहा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अमरोहा भी इससे अछूता नहीं है। पूरे प्रदेश की तरह अमरोहा कलेक्ट्रेट पर भी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आक्रोश दिखा रहे हैं अपना, और जिस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ जोरदार प्रदर्शन किया है कलेक्ट्रेट पर। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। बरेली जिसको हम रोहेलखंड कहते हैं उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद हैदर, मेरे साथ में उनसे बात करूंगा। जी बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कल का दिन राजनीतिक इतिहास में सबसे काला दिन था। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, इन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस किया, ऐसे शिक्षा मंत्री को भाजपा की सीबीआई ने कल 10,000 के फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करने का काम किया। मनीष सिसोदिया जी का कसूर क्या था? अच्छे स्कूल बनाना, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाना, या दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, अच्छे अस्पतालों का काम करना, या दिल्ली के जो टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना? मैं पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के लोग, जो भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 करोड़ का फर्जी घोटाला हुआ है, सीबीआई ने उनके दफ्तर पे भी जांच की, उनके घर पे भी जांच की, उनके बैंक लॉकर भी चेक किए, उनके गाँव में भी जाके जांच की, उनके सहयोगियों के सारे घर चेक किए, कहां गए वो रुपए अगर 10,000 रुपए का घोटाला हुआ है तो? लेकिन ये सारी की सारी जो मुहिम आज चल रही है आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से डर गए हैं, अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं। जिस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, गुजरात के बाद फिर दिल्ली एमसीडी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है, चैन उनका उड़ गया है। और यही वजह है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसा कर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। आज आपने जो प्रदर्शन किया है किसके नाम संबंधित आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि मनीष सिसोदिया जी को जो फर्जी में परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो, मनीष सिसोदिया जी को छोड़ा जाए। और अगर इस टाइप के अनर्गल आरोप अगर विपक्ष को आप लगाएंगे, विपक्ष की आवाज आप कमजोर करने का काम करेंगे, तो ये गलत है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, विपक्ष की आवाज को मजबूत होना चाहिए, ये अच्छे लोकतंत्र का संदेश। मेरे साथ एक महिला भी है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कविता कांची है। ये बताइए कि जो आज प्रदर्शन हुआ उसमें क्या मांग है आपकी? जी देखिए, जैसे सर ने अभी आपको सब कुछ बताया है और इसी प्रकार हमारी महिला मेयर बनी है,
दिल्ली में, तो भाजपा को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में महिलाएं भी आगे आ रही हैं, इसलिए उन पर भी तंज कसे जा रहे हैं और उनके साथ भी ठीक नहीं किया जा रहा है, जहां तक कि उनको मारने की भी कोशिश की गई। और उन्होंने खुद कहा है, आपने भी देखा होगा कि मुझे मारने की कोशिश की और मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा करके आई हूँ वहां से। और भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरे साथ आम आदमी पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ प्रदेश सचिव हैं आम आदमी पार्टी के, मोहम्मद आमिर, बताइए साहब। ये जो कल सारा तांडव रचा गया है कि मनीष सिसोदिया एक आबकारी घोटाले में, उनको जो घोटाला नाम की चीज ही नहीं है आबकारी घोटाला, जो नीति चली ही नहीं है उसमें घोटाला कहां से हो गया, ये सब बीजेपी की बौखलाहट है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि अंदर पंजाब के अंदर सरकार बनी है, गुजरात में दो हमारी 5 सीटें आई है, उससे बौखला चुकी है बीजेपी, और बौखलाने के बाद वो हमारे नेताओं पर हमला कर रही है ताकि दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम बता देते हैं बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दबने के लिए तैयार नहीं है और हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं। जी जी, विनय, देखा जाए तो लगातार सीबीआई की तरफ से यही आरोप दिया गया है कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन आरोपों का बदलना कहा गया है, बयानों का बदलना कहा गया है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जी, ये तो टेक्निकल बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर पूरी तरह आक्रोश में है और ये सभी लोग जो हैं रिहाई की मांग कर रहे हैं। विनीत, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कह रहा है, कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा? ये तो इनका अभी इन्होंने एक अल्टीमेटली आज एक दिवसीय ज्ञापन भी यहाँ पर किया, धरना प्रदर्शन भी किया है और इनका कहना है कि अगर आगे भी ये सब जारी रहेगा तो इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत। तो वहीं पर सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची है, उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की थोड़ी देर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। पूरे प्रदेश, देश भर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, लगातार वो उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमने अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई अलग अलग जगहों से, कानपुर से, लखनऊ से, अमरोहा से, देखिए सीधे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई मुख्यालय से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में लिया जा रहा है, कोर्ट पेशी के लिए लिया जा रहा है। ले जाया जा रहा है सीधे तस्वीरों में आप राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है आज मनीष सिसोदिया की तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको कोर्ट में ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया था। 9 घंटे की पूछताछ चली थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई मुख्यालय से उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जा रहा है, आज उनकी पेशी है। सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, 9 घंटे की पूरी पूछताछ चली थी। खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।